सन्तानं नमो 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 सिद्धानं नमो 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 आयर्यानं नमो 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 वैच्छायानं नमो 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 लोये सर्व साहु शासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पञ्चैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनम् कुर्वन्तु नो मङ्गलम् कुर्वन्तु नो मङ्गलम् ब्राह्मी चन्दन बालिका भगवती राजीमती द्रौपदी कौशल्या च मृगावती च सुलसा सीता सुभद्रा शिवा कुन्ती शीलवती नलस्य दलिता चूला प्रभावत्यपि पद्मावत्यपि सुन्दरी दिनमुखे कुर्वन्तु नो मङ्गलम् कुर्वन्तु नो मङ्गलम् मङ्गलम् भगवान् वीरो मङ्गलम् गौतम प्रभु मङ्गलम् स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यम् सर्वकल्याणकारणम् प्रधानं सर्वधर्मानां जैनं जयति शासनम् जैनं जयति शासनम् जय 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 जयकार पर्युषण जय 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 जयकार जय 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 जयकार पर्युषण जय 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 जयकार स्वागत स्वागत पर्व तुम्हारा स्वागत स्वागत पर्व तुम्हारा लो अभिनंदन आज हमारा लो अभिनंदन आज हमारा
आयुषण जय 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 जयकार वंदन सौ सौ बार पर्युषण जय 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 जयकार। अंतगढ़ दशा सूत्र पांचवा वर्ग। जैनम बंते सम्नेनम जाव संपत्तेनम चौथस वग्गस अयमठे पन्नते पंचमस्सनम बंते वग्गस अंतगर्दसानम सम्नेनम जाव संपत्तेनम के अठे पन्नते एवं खलु जंबु सम्नेनम जाव संपत्तेनम पंचमस्स वग्गस दस अज्जेना पन्नता तम जहा पौमा वैय गोरी गंधारी लखनास सिमाय जम्बु वै सच्च भामा रूपिणी मूल श्री मूल दत्ताय। जैनम मन्ते सम्नेनम जाव संपत्तेनम पंचमस्स वग्गस दस अज्जेना पन्नत्ता परमस्सनम भन्ते अज्जेनस्स सम्नेनम जाव संपत्तेनम के अठे पन्नत्ते एवं खलु जंबु तेनम कालेनम तेनम समयनम बारवई नामम नैरी होत्ता जहा परमे जाव कन्हे वासुदेवे आहे वच्चम जाव विहरई तस्सनम कन्नस्स वासुदेवस्स पौमा वई नामम देवी होत्ता वन्नो तेनम कालेनम तेनम समयनम अर्हा अरिठनेमी समोसडी जाव विहरई कन्हे निगय जाव पज्जुवासे तैनम सा पौमावई देवी इमी से कहाए लद्दठा समानी हट तुठे जहा देवई जाव पज्जुवासे तैनम अरहा अरिठनेमी कन्नस वासुदेवस पौमावई देवी जाव धम्म कहा परिसा पड़ी गया तैनम कन्हे वासुदेवे अरहम अरिठनेमिम वंदई नमंसई वंदित्ता नमंसित्ता एवं भयासी इमि सेनम भन्ते बारवये नैरिये दुवालस जोयन आयामाये नव जोयन विच्छिन्नाये जाव पच्चकम देवलोग भुयाये किम मूलये विनाशे भविष्यई कन्हाई अरह अरिठनेमि कन्ह वासुदेवम एवं भयासी एवं खलु कन्हा इमि से बारवये नैरिये दुवालस जोयन आयामाये नव जोयन विच्छिन्नाये जाव पच्छक्खम देवलोग भुयाए सुरग्गी दीवायन मूलये विनाशे भविष्यई तैनम कन्नस वासुदेवस अरहो अरिठनेमिस अंतिये अयमठम सोच्चा अयमेयारुवे अज्जत्तिये सम्मुपन्ने धन्नानं ते जाली मयाली उवयाली पुरिस सेन वारिसेन पज्जुन्न संब अनिरुद्ध दड़नेमी सच्च नेमिप भीयो कुमारा जेनम चिच्चा हिरन्नम जाव परिभाईत्ता अरहो अरिठनेमिस्स अंत्य मुंडा जाव पव्वैया अहन्नम अधन्ने अकपुन्ने रज्जेय जाव अंते उरेय मानुष्य एसुय काम भोगेसु मुच्छिये नो एमी अरहो अरिठनेमिस अंत्य जाव पव इत्तये कन्हाई अरहा अरिठनेमी कन्हम वासुदेव एवं वयासी से नूनम कन्हा तब अयम अज्जत्तिये समुपन्ने धन्नानं ते जाली जाव पव इत्तये से नूनम कन्हा अयम अठे सम्मठे हंता अथि तम नो खलु कन्हा एवं भूयं वा भवं वा भविष्यै वा जन्म वासुदेवा चैत्ता हिरण्यम जाव पव इस्संति से केनठेनम धन्ते एवं उच्चै न एवं भूयं वा जाव पव इस्संति कन्हाई अरह अरिठनेमि कन्हम वासुदेवम एवं वयासी एवं खलु कन्हा सव्ये वियनम वासुदेवा पूव भवे नियान कड़ा से ए नठेनम कन्हा एवं उच्चै न एवं भूय जाव पव इस्संति तैनम से कन्हे वासुदेवे अरहम अरिठनेमिम एवं वयासी अहन्नम भन्ते यो काल मासे कालम किच्चा कहिम गमिस्सामि कहिम उववज्जिस्सामि तैनम अरहा अरिठनेमि कन्हम वासुदेवम एवं वयासी एवं खलु कन्हा तुमम बारवये नैरिये सुरग्गी दिवायन कोव निदड्ढाये अम्मा पी नियग विप्पहुने रामेन बलदेवेन सद्धिम दाहिन वेयालिम अभिमुये जोहि ठिल पामुखानं पंचनं पड़वानं पंडु राय पुत्तानं पासं पंडु मुहुरं संपत्तिये कोसंब वन कानने नगो हवर पाय वस्स अहे पुड़वी सीला पट्टे पियवत्त पच्चाय शरीरे जर कुमारेनं तिखेनं को दंड विप्प मुक्केनं इसुना वामे पाये विद्ये समाने काल मासे कालं किच्चा तच्चाये वालु यप्प भाये पुड़वीये जाव व वज्जी हिसी।
तयेनम कन्हे वासुदेवे अरहो अरिठ नेमिस अंतिये एमठम सोचा निसम ओहय जाव जियाई कन्हाई अरहा अरिठ नेमि कन्हम वासुदेवम एवं वयासी मानम तुमम देवानुपिया ओहय जाव जियाई एवं खलु तुमम देवानुपिया तच्चाओ पुर्वियो उज्जलियाओ अनंतरम उवट्टित्ता इहेव जंबुद्दिवे दिवे भारे वासे आगमिस्साये उस्सपिनिये पुंडेसु जनवयेसु सय दुवारे नैरे बार समे अममे नामम अरहा भविष्यसि तत्त तुमं बहुइं वासाइं केवल पर्यायं पाउनित्ता सिज्जि हिसि तेनं कन्हे वासुदेवे अरहो अरिठ नेमिस्स अंतिये एयमठं सोच्चा निसं हट्ट तुठे अफोडेई अफोडित्ता वग्गई वग्गित्ता तिवलिं छिंदई छिंदित्ता सिंहनायं करै करित्ता अरहं अरिठ नेमिं वंदै नमसै वंदित्ता नमंसित्ता तमेव अभिषेकं हत्तिरैनं दुरुहै दुरुहित्ता जेनेव बारवै नैरि जेनेव सय गिह तेनेव उवा गए अभिषेय हत्तिरैनाओ पच्चो रुहै पच्चो रुहित्ता जेनेव बाहिरिया उवठानसाला जेनेव सय सिंहासने तेनेव उवा गच्छै उवा गच्छित्ता सिंहासन वरंसि पुरत्थाभिमुहे निसि यै निसि इत्ता कोडुम्बिय पुरिसे सद्दा वेई सद्दा वित्ता एवं वयासी गच्छहनं तुभ्य देवानुपिया बारवये नैरिय सिंघाडग जाव उघोसे माना एवं वयह एवं खलु देवानुपिया बारवये नैरिय दुवालस जोयन आया माये जाव पच्चकम देवलोग भुयाए सुरग्गी दीवायन मूले विनाशे भविष्य तम जोनम देवानुपिया इच्छई बारवये नैरिय रायावा जुवरायावा ईसरे तलवरे माडम्बिये कुडुम्बिये इब्बे सेठिवा देवीवा कुमारोवा कुमारीवा अरहो अरिठ नेमिस्स अंत्ये मुंडे जाव पव्व इत्तये तम नम कन्हे वासुदेवे विसज्जै पच्छा उरस्स वियसे आहा पवित्तम वित्तम अनुजानै महया इड्डी सकार समुदयेन यसे निखमनम करै दोच्चम्पि तच्चम्पि घोषनयम घोषेह घोषयित्ता मम एयम आनत्तियम पच्च पिन्नह तैनं ते कोडुम्बिय पुरिसा जाव पच्च पिन्नन्ति तैनं सा पौमा वै देवी अरहो अरिठ नेमिस्स अंत्ये धम्मं सच्चा निसम्म हट्ट तुठ जाव हियया अरहं अरिठ नेमिं वंदै नमसै वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी सदहामिनं भन्ते निगंथं पावयनं से जहेयं तुभ्ये वयह जं नवरं देवानुप्रिया कन्हं वासुदेवं आपुच्छामि तैनं अहं देवानुप्रियानं अंत्ये मुंडा जाव पव्वयामि अहासुहं देवानुप्रिया मा परिबंधं करेह तये नम सा पौमा वै देवी धम्मियम जानपवरम दुरुहै दुरुहित्ता जेनेव बारवै नैरी जेनेव सय गिहे तेनेव उवा गच्छै उवा गच्छित्ता धम्मियाओ जानपवराओ पच्चो रुहै पच्चो रुहित्ता जेनेव कन्ने वासुदेवे तेनेव उवा गच्छै उवा गच्छित्ता करयल जाव कट्टु कन्हं वासुदेवं एवं वयासी इच्छामि नम देवानुप्रिया तुभ्यं अभ्यनुन्नाया समानी अरहो अरिठ नेमिस्स अंत्ये मुंडा जाव पव्वयामि अहासुहं देवानुप्रिये तैनं से कन्हे वासुदेवे कोडुम्बिय पुरिसे सद्दावेई सद्दावित्ता एवं वयासी खिप्पामेव भो देवानुप्रिया पौमा वै देवीये महत्थं निखमनाभिषेयम् उवट्ठ वेह उवट्ठ वित्ता एयम् आनत्तियं पच्च पिन्नह तैनं ते कोडुम्बिया जाव पच्च पिन्नन्ति तैनं से कन्हे वासुदेवे पौमा वैं देवीं पट्टयं दुरुहै दुरुहित्ता अट्ठसेनं सोवन्न कलसेनं जाव निखमनाभीस एनं अभिसिंचै अभिसिंचित्ता सर्वालंकार विभूषियं करे करित्ता पुरिस सहस वाहिनीं शिवियं दुरा दुरुहावै दुरुहावित्ता बारवय्य नैरिये मध्यं मध्यनं निगच्छै निगच्छित्ता जेनेव देवयये पव्वये जेनेव सहसंभवने उज्जाने तेनेव उवा गच्छै उवा गच्छित्ता सियं ठवेई पौमा वै देवी सियाओ पच्चो रुहई तैनं से कन्हे वासुदेवे पौमा वैं देवीं पुरो कट्टु जेनेव अरहा अरिठ नेमि तेनेव उवा गच्छै उवा गच्छित्ता अरहं अरिठ नेमिं तिकुत्तो आयहिनं पयहिनं करै करित्ता वंदै नमंसै वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी एसनं भन्ते मम अग्ग महीसी पौमा वै नामं देवी इट्टा कंता पिया मनुन्ना मनामा अभिरामा जीविय उसासा हियया नंद जनिया उंबर पुप्फुं विवदुल्लहा सवनयाये किमंग
पून पासन याये तन्नम अहम देवानुपियानम सिसिनी भिक्कम दलियामी परिच्छन्तु नम देवानुपिया सिसिनी भिक्कम आहसुहम। तये नम सा पौमा वै देवी उत्तर पृथ्वीम दिशि भागम अवक्कमय अवक्कमित्ता सयमेव आभरणालंकारम ओमु यै ओमु इत्ता सयमेव पंचमुठ्यम लोयम करे करित्ता जेनेव अरहा अरिठनेमि तेनेव उवागच्छे उवागच्छित्ता अरहम अरिठनेमि वंदै नम सै वंदित्ता नमम सित्ता एवं वयासी आलिप्तेनम भन्ते जाव धम्म माइक्खियम। तयनम अरहा अरिठनेमि पौमावयम देवीम सयमेव पव्वा वेयि सयमेव मुंडा वेयि सयमेव जक्खिनीय अज्जाय सिस्सिनिम दलयै तयनम सा जक्खिनी अज्जा पौमावयम देवीम सयम पव्वा वेयि जाव संजमियव्वम। तयनम सा पौमावयि जाव संजमयि तयनम सा पौमावयि देवी अज्जा जाया इरिया समिया जाव गुत्त बंभयारिनी तयनम सा पौमावयि अज्जा जक्खिनीय अज्जाय अंत्ये सामाय्य माययाइम एकरस अंगाइम अहिजय अहिजयित्ता बोहिम चौत्त छटट्ठ मद सम दुवाल सेहिम मासद्द मास खमनेहिम विविहेहिम तो कम्मेहिम अपानम भावे माना विहरे। तय नमसा पौमा वै अज्जा बहु परिपुन्नाइम विषम वासाइम सामन्न प्रियागम पौनित्ता मासियाय संलेहनाय अपानम झोसेई झोसित्ता सठिम भत्ताइम अनसनाइम छेदेई छेदित्ता जसठाय किरई नग्ग भावे जाव तमठम आराहे चरमेहिं उस्सास निस्सासेहिं सिद्धा। पंचम वर्ग का प्रथम अध्ययन समाप्त। उख्यवोय अज्ञेनस्स तेनम कालेनम तेनम समयनम बारवै नैरी रेवये पव्वये उज्जाने नंदनवने तत्थनम बारवये नैरिये कन्हे वासुदेवे राया होत्ता तस्सनम कन्हस्स वासुदेवस्स गौरी देवी वन्नो अरहा अरिठनेमि समोसडे कन्हे निग्गये गौरी जहा पौमावै तहा निग्गया धम्म कहा परिसा पड़ी गया कन्हे भी पड़ी गये। नमसा गोरी जहा पौमा वै तहा निखंता जाव सिद्धा एवं गंधारी लखना सुसीमा जम्बु वै सच्च भामा रुपिनी अठवी पौमा वै सरिस याओ अठ अज्ञेना। उख्य वोय नवमस तेनम कालेनम तेनम समयनम बार वैये नैरिये रेवये पव्वये नंदन वने उज्जाने कन्हे राया तत्थनम बार वैये नैरिये कन्हस वासुदेवस्स पुत्रे जम्ब वैये देविये अत्तये संबे नामम कुमारे होत्ता अहिन तस्सनम संबस्स कुमारस्स मूलश्री नामम धारिया होत्ता वन्नो अरहा अरिठनेमि समोसडे कन्हे निग्गये मूलश्री वि निग्गया जहा पौमा वै नवरम देवानुपिया कन्हम वासुदेवम अपुच्छामि जाव सिद्धा एवं मूलदत्ता वि पंचमो वग्गो समत्तो। पांचवे वर्ग का 9 और 10 अध्ययन पूर्ण हुए। पांचवा वर्ग संपूर्णम। बोल भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव आनंद श्री जी महाराज साहब की जय। आग में तिवि है पनत्ते तम जहाँ सत्ता गम्य अर्था गम्य तद्व्या गम्य इस तरह तीन प्रकार आगम रूप नाथ के विषय में जो कृतिचार लगा हो तो आलू चंबईदम बच्चा मिलियम हिनक्करम अच्छकरम पयहिनम विनयिनम जोघिनम घोषिनम सुठुदिनम दुट्ठ परिचयनम अकाले को सजाओ काले न को सजाओ असज्जाय सज्जयम सज्जाय न सज्जयम भंता गुंता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत की आशातना की हो तो तस्मिच्छामि दुक्रम तस्मिच्छामि दुक्रम तस्मिच्छामि दुक्रम। सो सो सूरज उगिया चंदा भटक भटक करे
थक गए छाया घोर शासनेश प्रभु सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर वीर प्रभु भगवान महावीर स्वामी परम आदरणीय परम वंदनीय नराधम को नरोत्तम बनाने वाले कुशल कारीगर संत शिरोमणि पूज्य गुरुदेव आचार्य आनंद श्री जी महाराज साहब के पावन स्मृति में भावपूर्वक वंदन। आनंद शनि रत्ना उप प्रवर्तनी अरिहंत आराधिका धर्म ज्योति पूज्य श्री बेन महार साहब इनके पावन चरण कमलों में कोटिशह वंदन। आत्म प्रिय बंधुओं माताओं एवं सुशील बहनों, क्षमा वीरों का आभूषण है क्षमा धर्म प्रधान, क्षमा वीरों का आभूषण है क्षमा धर्म प्रधान, क्षमाधारी का हर युग में होता रहा सम्मान, क्षमाधारी का हर युग में होता रहा सम्मान। पर्युषण महापर्व का यह पांचवा दिवस अंतर्गत सूत्र के माध्यम से हम उन महान आत्माओं का वर्णन सुन रहे हैं जिन्होंने अपनी आत्मा का कल्याण उसी भव में करके सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए। अंतर्गत सूत्र का पांचवा वर्ग जिसका भावार्थ जम्बू स्वामी श्री सुधर्मा स्वामी से पूछते हैं, वह भगवान श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने अंतर्गत सूत्र के चतुर्थ वर्ग का जो अर्थ कहा वह मैंने आपके मुखारविंद से सुना है। अहो भगवान, इसके बाद पांचवे वर्ग के क्या भाव कहे हैं? इस प्रश्न के उत्तर में श्री सुधर्मा स्वामी कहते हैं, हे जम्बू, श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने पांचवे वर्ग में 10 अध्ययन कहे हैं, वे इस प्रकार है: पद्मावती, गौरी, गांधारी, लक्ष्मणा, सुसीमा, जाम्बवती, सत्यभामा, रुक्मिणी, मूलश्री और मूलदत्ता। श्री जम्बू स्वामी पूछते हैं, अहो भगवान, श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने पांचवे वर्ग में 10 अध्ययन कहे हैं, तो उनमें से पहले अध्ययन का क्या भाव है? श्री सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी से कहते हैं, हे जम्बू, उस काल उस समय में द्वारिका नाम की नगरी थी, वहाँ कृष्ण वासुदेव राजा राज्य करते थे, उनकी रानी का नाम पद्मावती था, वह अत्यंत सुकुमार और सुरूप थी। उस काल उस समय में भगवान अरिष्टनेमी तीर्थंकर परंपरा से विचरते हुए वहां पधारे, भगवान का आगमन सुनकर कृष्ण वासुदेव उनके दर्शन के लिए गए यावत परिउपासना करने लगे। भगवान का आगमन सुनकर पद्मावती रानी भी अत्यंत हष्टतुष्ट प्रसन्न हुई, वह भी देवकी के समान धर्मरथ पर चढ़कर भगवान के दर्शन करने के लिए गई। प्रभु के समो शरण में जाना, उनके दर्शन करना, धर्मोपदेश सुनना, यह सभी भाग्यशालियों के नसीब में ही होता है। हम भी अपनी श्रद्धा भक्ति और आस्था के साथ प्रभु को वंदन करने के लिए चल पड़ेंगे। चालो चालो दर्शन करवा तीर्थंकर पधार्या हो, चालो चालो दर्शन करवा तीर्थंकर पधार्या हो, कर मारा बंधन ने ढीला छोड़वा, कर मारा बंधन ने ढीला छोड़वा। भगवान अरिष्टनेमी ने कृष्ण वासुदेव पद्मावती रानी और परिषद को धर्म कथा कही। धर्म कथा सुनकर परिषद अपने अपने घर लौट गई। इसके बाद कृष्ण वासुदेव ने भगवान अरिष्टनेमी को वंदन नमस्कार कर इस प्रकार पूछा कि हो भगवान, 12 योजन लंबी 9 योजन चौड़ी यावत प्रत्यक्ष देवलोक के समान इस द्वारिका नगरी का विनाश किस कारण से होगा? भगवान अरिष्टनेमी ने कहा, हे कृष्ण, 12 योजन लंबी 9 योजन चौड़ी यावत प्रत्यक्ष देवलोक के समान इस द्वारिका नगरी का विनाश सूरा, मदिरा, अग्नि और द्वीपायन ऋषि के कारण होगा। इसलिए क्या कहा, अलका समया सुंदर नगरी एक दिन नष्ट हो सी हो,
काल का समया सुंदर नगरी एक दिन नष्ट हो सी हो माया में रही जो मती भूलनी माया में रही जो मती भूलनी। भगवान अरिष्टनेमि के मुख से द्वारिका नगरी के विनाश का कारण जानकर कृष्ण वासुदेव के हृदय में ऐसा विचार उत्पन्न हुआ कि वे जाली मयाली उयाली पुरुषसेन वारिसेन प्रद्युम्न शाम्ब अनिरुद्ध दृढ़नेमि और सत्यनेमि आदि धन्य है कि जिन्होंने अपनी संपत्ति स्वजन और याचकों को देकर भगवान अरिष्टनेमि के पास मुंडित होकर प्रवर्जित हो गए। मैं अधन्य हूँ अकृत पुण्य हूँ जिससे मैं राज्य में अंतपुर में और मनुष्य संबंधी काम भोगों में ही फंसा हुआ हूँ। इनसे विमुक्त होकर मैं भगवान अरिष्टनेमि के समीप दीक्षा नहीं ले सकता। भगवान अरिष्टनेमि ने अपने ज्ञान से कृष्ण वासुदेव के हृदय में आए हुए विचारों को जानकर आर्त ध्यान करते कृष्ण वासुदेव से इस प्रकार कहा कि हे कृष्ण तुम्हारे मन में इस प्रकार भावना हो रही है कि वे जाली मयाली आदि कुमार धन्य है जिन्होंने अपना धन वैभव स्वजन और याचकों को देकर अनगार हो गए हैं। मैं अधन्य हूँ अकृत पुण्य हूँ जो राज्य अंतपुर और मनुष्य संबंधी काम भोगों में ही गिरद्ध हूँ। मैं भगवान अरिष्टनेमि के पास प्रवज्जा नहीं ले सकता। हे कृष्ण क्या यह बात सत्य है? श्री कृष्ण ने जवाब दिया, हाँ भगवान आपने जो कहा वह सभी सत्य है। आप सर्वज्ञ है, आपसे कोई बात छिपी हुई नहीं है। हे कृष्ण ऐसा कभी हुआ नहीं, होता नहीं और होगा भी नहीं कि वासुदेव अपने भव में संपत्ति छोड़कर प्रवर्जित हो जाए। नहीं, वासुदेव दीक्षा लेते ही नहीं, कभी ली नहीं और भविष्य में लेंगे भी नहीं। यह सुनकर कृष्ण वासुदेव ने पूछा, हो भगवान इसका क्या कारण है? भगवान ने कहा, हे कृष्ण सभी वासुदेव पूर्व भव में निदान कृत यानी नियाना करने वाले होते हैं, इसलिए मैं ऐसा कहता हूँ कि ऐसा कभी हुआ नहीं, होता नहीं और होगा भी नहीं कि वासुदेव अपनी संपत्ति को छोड़कर दीक्षा ले। यह सुनकर कृष्ण वासुदेव ने भगवान अरिष्टनेमि से पूछा कि हो भगवान मैं यहाँ से काल के समय काल करके कहाँ जाऊंगा और कहाँ उत्पन्न होऊंगा? भगवान ने कहा, हे कृष्ण सूरा अग्नि और द्वीपायन ऋषि के कोप के कारण इस द्वारिका नगरी का नाश हो जाने पर और अपने माता पिता तथा स्वजनों से विहीन हो जाने पर तुम राम बलदेव के साथ दक्षिण समुद्र के किनारे पांडु राजा के पुत्र युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल और सहदेव इन पांचों पांडव के समीप पांडु मथुरा की ओर जाओगे। उधर जाते हुए विश्राम लेने के लिए कोशाम्ब वृक्ष के वन में एक अत्यंत विशाल वट वृक्ष के नीचे पृथ्वी शिला पट्ट पर पीताम्बर से अपनी देह को ढककर सो जाओगे। उस समय मृग की आशंका से जरा कुमार द्वारा चलाया हुआ तीक्ष्ण बाण तुम्हारे बाएं पैर में लगेगा। इस प्रकार बाण से बिद्ध होकर तुम काल के समय काल करके वालुका प्रभा नामक तीसरी पृथ्वी में उत्पन्न होगे। प्रश्न हो सकता है कि सुरा अग्नि एवं द्वैपायन ऋषि द्वारिका विनाश के कारण का क्यों और कैसे बने? तो जवाब है कि द्वैपायन ऋषि अभव्य जीव था। जब उसने अपने द्वारा द्वारिका के विनाश का भगवत वचन सुना तो इस निमित्त से बचने के लिए नगरी के बाहर आश्रम में रहने लगा। श्री कृष्ण ने सुरा मदिरा को भी नाश का कारण जानकर बाहर फिकवा दिया। एक दिन कुछ यादवों को खेलते खेलते प्यास लगी, वे पानी की तलाश में उसी आश्रम की तरफ आ गए तथा गड्ढों में भरी शराब पी ली। कुछ आगे बढ़ने पर द्वैपायन ऋषि यज्ञ करते दिखाई दिए। नशे में उन्होंने मरे हुए सर्प को उठाकर द्वैपायन ऋषि पर डाल दिया तथा उन्हें खूब परेशान किया। तब क्रोधित होकर द्वैपायन ऋषि ने द्वारिका विनाश का निदान कर लिया। निदान क्या होता है? निदान एक पारिभाषिक शब्द है। जब मोक्ष मार्ग का साधक अपने जीवन भर की तपस्या का फल मुझे अमुक प्रकार की सांसारिक वृद्धि मिले ऐसी चाह इच्छा करता है तो उसे निदान कहते हैं, अर्थात तप के उपलक्ष्य में भौतिक वृद्धि प्राप्त करने का संकल्प निदान है। दूसरे शब्दों में निदान हाथी के मूल्य वाली वस्तु को एक कोड़ी में बेच देना है। निदान कल्याण साधना का बाधक है। जब तक उसकी पूर्ति नहीं होती तब तक मोक्ष प्राप्ति तो क्या सम्यक्व मिलना भी दुर्लभ है। वह महा इच्छा वाला होने से महारंभी अधर्मी होता है जिससे संसार में भटकता है। दशाश्वमेध स्कंध में निदान करने के 9 रूप बतलाए हैं जो इस प्रकार है। पहला, कोई साधु किसी समृद्धिशाली पुरुष यानी चक्रवर्ती को देखकर इसकी रिद्धि प्राप्त करने के लिए निदान करता है। दूसरा, कोई साध्वी किसी रिद्धिवंत स्त्री यानी श्री देवी को देखकर उसके सुख प्राप्ति के हेतु निदान करती है। तीसरा, कोई साधु पुरुषपना दुखदायी है अतः स्त्री बनने के लिए निदान करता है। चौथा, कोई साध्वी स्त्री पने की कठिनाई को देखकर पुरुष के सुखों का भोग करने के लिए निदान करती है। पांचवा,
कोई मनुष्य के काम भोगों को अध्रुव अशाश्वत एवं अनित्य समझकर देव रूप में उत्पन्न होने तथा देवीय सुख भोगने के लिए निदान करते हैं। छठा, देव भव में अपनी देवी को वश में करके या विक्रिय रूप बनाकर सुख भोगने के लिए निदान करना। सातवा, देव भव में अपनी देवी के साथ सुख भोगने के लिए निदान करना। आठवा, अगले जन्म में श्रावक बनने हेतु निदान करना। नौवा, अगले जन्म में साधु बनने के हेतु निदान करना। प्रथम चार निदानों वाला जीव केवली प्रपित धर्म नहीं सुन सकता, क्योंकि इनका फल पाप रूप होता है तथा नरक में दुख भोगना पड़ता है। पांचवें निदान वाला जीव धर्म श्रवण कर सकता है, किंतु दुर्लभ बोधी होता है। छठे निदान वाला जीव जिन धर्म को सुनकर समझकर भी अन्य धर्म में रुचि रखता है। सातवें निदान वाला दर्शन श्रावक एवं आठवें निदान वाला श्रावक हो सकता है, परंतु संयम अंगीकार नहीं कर पाता। इसी तरह साधु निदान वाला संयमी होकर भी यथाख्यात चरित्र को प्राप्त न करने के कारण सिद्ध बुद्ध और मुक्त नहीं हो सकता। तो द्वैपायन ऋषि ने द्वारिका विनाश का निदान कर लिया। श्री कृष्ण एवं बलभद्र की अनुनय विनय से उन दोनों को ही नहीं जलाने का वचन दिया। कृष्ण ने द्वारिका विनाश को बचाने का उपाय तप को समझकर घर घर में अम्बिलादि तप करवाना आरंभ करा दिया। द्वैपायन ऋषि अकाम निर्जना के कारण मरकर अग्नि कुमार जाति के देव बने। अपना पूर्व भव का उपयोग लगाकर क्रोधित हो गए, किंतु तप के प्रभाव से 12 वर्ष तक द्वारिका को न जला सके। द्वारिका में 12वें वर्ष में तप आराधना बहुत मंद हो गई। अंत में तप का प्रभाव न रहने से संवर्तक वायु चलाना शुरू कर दिया, जिससे आसपास में तृण काष्ठादि का हवा से संयोग होने से द्वारिका तेजी से जलने लगी। 6 मास तक जलती रही। निकट में समंदर का अपार जल भी उसे बुझाने के काम न आ सका। इस तरह से द्वैपायन ऋषि, सुरा और अग्नि ये द्वारिका विनाश के कारण बने। और द्वारिका का विनाश सुनकर श्री कृष्ण ने वीर प्रभु अरिष्टनेमि से पूछा कि ओ भगवान, मैं काल करके कहाँ जाऊंगा? तब भगवान ने फरमाया कि तीसरी पृथ्वी में उत्पन्न होगे। तब भगवान के मुख से अपने आगामी भव की बात सुनकर कृष्ण वासुदेव आर्त ध्यान करने लगे। तब भगवान अरिष्टनेमि ने कहा, हे कृष्ण, तुम इस प्रकार आर्त ध्यान मत करो। तुम तीसरी पृथ्वी से निकलकर आगामी उत्सर्पिनी काल में इसी जम्बूद्वीप में भरत क्षेत्र पुंड्र जनपद के शतद्वार नगर में अमम नाम के 12वें तीर्थंकर बनोगे। वहां बहुत वर्षों तक केवल पर्याय का पालन कर सिद्ध पद को प्राप्त करोगे। इसका कारण था कि श्री कृष्ण महाराज ने अपने जीवन में धर्म दलाली बहुत की, इसलिए कभी भी कहता है, धर्म दलाली कीनी द्वारका रामा ही हो, धर्म दलाली कीनी द्वारका रामा ही हो, तीर्थंकर बनी ने जासी मोक्ष में, तीर्थंकर बनी ने जासी मोक्ष में। भगवान अरिष्टनेमि के मुखारविंद से अपने भविष्य का वृत्तांत सुनकर कृष्ण वासुदेव हष्ट तुष्ट हृदय से अपनी भुजा ठोकने लगे और हर्षावेश में जोर जोर से शब्द करने लगे। उन्होंने 3 चरण पीछे हटकर सिंहनाद किया, फिर भगवान को वंदन नमस्कार करके अभिषेक हस्ती रत्न पर चढ़े और द्वारिका नगरी के मध्य होते हुए अपने भवन में पहुंचे। हाथी से उतरकर जहां बाहरी उपस्थान शाला थी और जहां अपना सिंहासन था वहां गए। वे सिंहासन पर पूर्वाभिमुख बैठे और कौटुंबिक पुरुषों यानी राज सेवकों को बुलाकर इस प्रकार बोले, हे देवानुप्रियो, इस द्वारिका नगरी के चतुष्पथ आदि सभी स्थानों पर मेरी इस आज्ञा को उद्घोषित करो कि हे देवानुप्रियो, 12 योजन लंबी 9 योजन चौड़ी यावत प्रत्यक्ष देवलोक के समान इस द्वारिका नगरी का विनाश मदिरा, अग्नि और द्वैपायन ऋषि के द्वारा होगा। इसलिए इस नगरी का कोई भी व्यक्ति, चाहे वह राजा हो, युवराज हो, ईश्वर यानी स्वामी या मंत्री हो, तलवर यानी राजा का प्रिय अथवा राजा के समान हो, माडम्बिक यानी छोटे गांव का स्वामी हो, या कौटुंबिक 2-3 कुटुंबों का स्वामी हो, सेठ हो, रानी हो, कुमार हो, कुमारी हो, और कोई भी हो जो भगवान अरिष्टनेमि के समीप दीक्षा लेना चाहे, उन्हें कृष्ण वासुदेव दीक्षा लेने की आज्ञा देते हैं। दीक्षा लेने वाले के पीछे जो कोई बाल, वृद्ध व रोगी होंगे उनका पालन पोषण कृष्ण वासुदेव करेंगे, और दीक्षा लेने वालों का दीक्षा महोत्सव भी बड़े समारोह के साथ कृष्ण वासुदेव ही अपनी ओर से करेंगे। इस प्रकार 2-3 बार घोषणा करके मुझे सूचित करो। कृष्ण वासुदेव की आज्ञा अनुसार कौटुंबिक यानी राज पुरुष सेवकों ने युद्ध घोषणा करके कृष्ण वासुदेव के पास आकर निवेदन किया कि भगवान अरिष्टनेमि से धर्म सुनकर और हृदय में धारण करके
पद्मावती रानी भी हर्षचतुष्ट हुई। यावत भावपूर्ण हृदय से भगवान को नमस्कार कर इस प्रकार बोली कि ओ भगवान, आपका उपदेश यथार्थ है। जैसा आप कहते हैं वह तत्व वैसा ही है। निग्रंथ प्रवचन पर मेरी श्रद्धा है। मैं कृष्ण वासुदेव से पूछकर आपके समीप दीक्षा लेना चाहती हूँ। भगवान ने कहा, हे देवानुप्रिय, जिस प्रकार तुम्हारी आत्मा को सुख हो वैसा करो, धर्म कार्य में प्रमाद मत करो। इसके बाद पद्मावती रानी धार्मिक रथ पर चढ़कर द्वारिका नगरी की ओर लौटी और अपने भवन के पास आकर धार्मिक रथ से नीचे उतरी। फिर जहाँ कृष्ण वासुदेव थे वहाँ गई, उनके सामने हाथ जोड़कर इस प्रकार बोली, हे देवानुप्रिय, मैं भगवान अरिष्टनेमी से दीक्षा अंगीकार करना चाहती हूँ, इसलिए आप मुझे दीक्षा लेने की आज्ञा प्रदान करें। पद्मावती रानी की यह बात सुनकर कृष्ण वासुदेव ने कहा, हे देवानुप्रिय, जिस प्रकार तुम्हें सुख हो वैसा कार्य करो। इसके बाद कृष्ण वासुदेव ने कौटुंबिक पुरुषों को बुलाया और कहा कि हे देवानुप्रिय, पद्मावती देवी के लिए शीघ्र ही दीक्षा महोत्सव की विशाल तैयारी करो और तैयारी हो जाने पर मुझे सूचना दो। कृष्ण वासुदेव की यह बात या आज्ञा पाकर सेवक पुरुषों ने दीक्षा महोत्सव संबंधी व्यवस्था करके उसकी सूचना कृष्ण वासुदेव को दे दी। कृष्ण वासुदेव ने पद्मावती देवी को पाट पर बिठाकर 108 स्वर्ण कलशों से स्नान करवाया। यावत दीक्षा का अभिषेक किया और सभी अलंकारों से अलंकृत करके 1000 पुरुषों द्वारा उठाई जाने वाली शिविका पर उसे बिठाया और द्वारिका नगरी के मध्य होते हुए रेवतक पर्वत के सहस्त्राम्र वन में आए और पालकी से नीचे रखा। पद्मावती देवी पालकी से नीचे उतरी। कृष्ण वासुदेव पद्मावती देवी को आगे करके भगवान अरिष्टनेमी के समीप आए और 3 बार आदक्षिण प्रदक्षिण करके वंदन नमस्कार किया और इस प्रकार बोले, कि हो भगवान, यह पद्मावती देवी मेरी पटरानी है। यह मेरे लिए इष्ट है, कांत है, प्रिय है, मनज्ञ है, मनाम यानी मन के अनुकूल कार्य करने वाली है, अभिराम यानी सुंदर है। ओ भगवान, यह मेरे जीवन में श्वासोश्वास के समान प्रिय है और मेरे हृदय को आनंदित करने वाली है। इस प्रकार कस्त्री रत्न उदुम्बर यानी गुलर के फूल के समान सुनने के लिए भी दुर्लभ है, तब देखने की तो बात ही क्या है। ओह भगवान, ऐसी पद्मावती देवी को मैं आपको शिष्या रूप भिक्षा देता हूँ। आप कृपा कर इस शिष्या रूप भिक्षा को स्वीकार करें। कृष्ण वासुदेव की प्रार्थना सुनकर भगवान ने कहा, हे देवानुप्रिय, जिस प्रकार सुख हो वैसा करो। इसके बाद पद्मावती देवी ने ईशान कोण में जाकर अपने हाथों से अपने शरीर पर के सभी आभूषण उतार दिए और अपने केशों का स्वयमेव पंचमुष्टिक लुंचन करके भगवान अरिष्टनेमी के समीप आई और उन्हें वंदन नमस्कार कर इस प्रकार बोली कि ओह भगवान, यह संसार जन्म जरा और मरण आदि दुख रूपी अग्नि से प्रज्वलित हो रहा है, अतः इस दुख समूह से छुटकारा पाने के लिए आपसे दीक्षा अंगीकार करना चाहती हूँ। अतः आप कृपा करके मुझे प्रवर्जित कीजिए, यावत चारित्र धर्म सुनाइए। भगवान अरिष्टनेमी ने पद्मावती देवी को स्वयमेव प्रवर्जित और मुंडित करके यक्षिणी आर्या को शिष्या के रूप में दे दी। यक्षिणी आर्या ने पद्मावती देवी को प्रवर्जित किया और संयम क्रिया में सावधान रहने की शिक्षा देते हुए कहा, हे पद्मावती, तुम संयम में सदा सावधान रहना। पद्मावती भी यक्षिणी आर्या के कथनानुसार संयम में यत्न करने लगी और इरिया समिति आदि 5 समिति से युक्त होकर ब्रह्मचारिणी बन गई। रानी पद्मावती हो, रानी पद्मावती, कृष्ण पटरानी हुआ मोटा सती। रानी पद्मावती हो, रानी पद्मावती, कृष्ण पटरानी हुआ मोटा सती। विनय करी ने सीखा ज्ञान अभ्यास, विनय करी ने सीखा ज्ञान अभ्यास, मोक्ष गया 8 कर्म खपाए। रानी पद्मावती हो, रानी पद्मावती। पद्मावती आर्या ने यक्षिणी आर्या के समीप सामयिक आदि 11 अंगों का अध्ययन किया और साथ ही साथ उपवास, बेला, तेला, चोला, पचोला 15-15 दिन और महीने महीने तक की विविध प्रकार की तपस्या करती हुई विचरण करने लगी। पद्मावती आर्या ने पूरे 20 वर्ष तक चैत्र पर्याय का पालन किया। अंत में 1 मास की संलेखना की और 60 भक्त अनशन करके जिस कार्य ने मोक्ष प्राप्ति के लिए संयम लिया था उसकी आराधना करके अंतिम श्वास के बाद सिद्ध पद को प्राप्त किया। इस तरह से 5वें वर्ग का प्रथम अध्ययन समाप्त हुआ। श्री जम्बू स्वामी सुधर्मा स्वामी से पूछते हैं कि ओ भगवान, श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने प्रथम अध्ययन में जो भाव कहे वे मैंने आपके मुखारविंद से सुने, इसके बाद भगवान ने दूसरे अध्ययन में क्या भाव कहे हैं, सो कृपा करके कहिए।
श्री सुधर्मा स्वामी ने बताया है, जम्बू उस काल उस समय में द्वारिका नाम की नगरी थी। उस नगरी के समीप रैवतक नामक पर्वत था। उस पर्वत पर नंदनवन नामक एक मनोहर तथा विशाल उद्यान था। द्वारिका नगरी में कृष्ण वासुदेव राज करते थे। उनके गौरी नाम की रानी थी। एक समय उस नंदनवन उद्यान में भगवान अरिष्टनिमी पधारे। कृष्ण वासुदेव भगवान के दर्शन के लिए गए। परिषद भी गई और गौरी रानी भी पद्मावती रानी के समान भगवान के दर्शन करने के लिए गई। भगवान ने धर्मकथा कही। धर्मकथा सुनकर परिषद अपने अपने घर लौट गई और कृष्ण वासुदेव भी अपने भवन में लौट गए। इसके बाद गौरी देवी पद्मावती रानी के समान प्रवर्जित हुई यावत सिद्ध हो गई। इसी प्रकार गांधारी, लक्ष्मणा, सुसीमा, जामवती, सत्यभामा और रुक्मिणी का वर्णन समान रूप से जानना चाहिए। पद्मावती आदि आठों रानियां एक समान प्रवर्जित होकर सिद्ध हो गई। ये आठों कृष्ण वासुदेव की पट रानियां थी। इस प्रकार ये आठ अध्ययन समाप्त हुए। श्री जम्बू स्वामी ने श्री सुधर्मा स्वामी से पूछा कि अहो भगवान, शमन भगवान महावीर स्वामी ने आठवें अध्ययन के जो भाव कहे वे मैंने आपके मुखारविंद से सुने। इसके बाद शमन भगवान महावीर स्वामी ने नौवे अध्ययन के क्या भाव कहे है, सो कृपा करके बताइए। श्री सुधर्मा स्वामी ने कहा, हे जम्बू उस काल उस समय में द्वारिका नाम की नगरी थी। उस नगरी के समीप रैवतक पर्वत था। वहाँ पर नंदनवन उद्यान था। उस नगरी में कृष्ण वासुदेव राजा राज्य करते थे। कृष्ण वासुदेव के पुत्र एवं जामवती देवी के आत्मज श्याम नाम के पुत्र थे जो सर्वांग सुंदर थे। श्याम कुमार की रानी का नाम मूलश्री था जो अत्यंत सुंदरी एवं कोमलांगी थी। एक समय भगवान अरिष्टनिमी वहां पधारे। कृष्ण वासुदेव उनके दर्शन करने गए। मूलश्री भी पद्मावती के समान दर्शन करने के लिए गई। भगवान ने धर्मकथा कही। धर्मकथा सुनकर परिषद अपने अपने घर लौट गई। कृष्ण वासुदेव भी भगवान को वंदन नमस्कार कर लौट गए। इसके बाद मूलश्री ने भगवान से कहा कि अहो भगवान, मैं कृष्ण वासुदेव की आज्ञा लेकर आपके पास दीक्षा लेना चाहती हूँ। श्याम कुमार ने पहले ही दीक्षा ले ली थी, इसलिए मूलश्री ने अपने श्वशुर कृष्ण वासुदेव की आज्ञा लेकर दीक्षा ली। तो भगवान ने कहा, हे देवानुप्रिय, जैसा तुम्हें सुख हो वैसा करो। इसके बाद मूलश्री ने पद्मावती के समान दीक्षा लेकर तप संयम की आराधना करके सिद्ध पद को प्राप्त किया। मूलश्री के समान मूलदत्ता का भी सारा वृत्तांत जानना चाहिए। यह श्याम कुमार की दूसरी रानी थी। इस प्रकार से पांचवें वर्ग के यह नवे दसवां अध्ययन भी पूर्ण हुआ और इस तरह से पांचवा वर्ग सम्पूर्ण हुआ। धन दौलत पाकर भी सेवा अगर किसी की कर न सका। धन दौलत पाकर भी सेवा अगर किसी की कर न सका। दया भाव ला दुखित दिल के जख्मों को ना भर सका। वह नर अपने जीवन में सुख शांति कहाँ से पाएगा। वह नर अपने जीवन में सुख शांति कहाँ से पाएगा। ठुकराता है जो औरों को वह स्वयं ठोकरे खाएगा। ठुकराता है जो औरों को वह स्वयं ठोकरे खाएगा। आज मानव भौतिक सुख में अखंड निमज्जित है। वह धन को ही सब कुछ समझ बैठा है। तृष्णा दिनों दिन बढ़ती जा रही है, पर जिसे वह सुख समझ बैठा था वह सुखाभास ही निकला। मकड़ी की तरह अपने द्वारा बनाए गए परिग्रह के जाले में वह स्वयं ही फंस गया। मानव आज इस परिग्रह के कारण आकुल व्याकुल है। धन के संग्रह में नहीं पर वितरण में प्रसन्नता है। धन के ममत्व को हटाकर अपरिग्रह की दिशा में कदम बढ़ाना ही सुख शांति का राजमार्ग है। अपरिग्रह का एक सुंदर रूप दान है। पर्युषण पर्व का आज पांचवा दिवस मनुष्य को यह गुण अपनाने का संदेश देता है। भारतीय संस्कृति सदा से दान एवं त्याग प्रधान रही है। यहाँ के मतवालों ने समय आने पर तन दिया है, धन दिया है, मन की शुभ भावना दी है। शरणागत की रक्षा के लिए रक्त मांस ही क्या जीवन देने में भी संकोच नहीं किया। एक ही शब्द में कहना चाहे तो हम यूँ कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति के उपासकों ने कभी तो अपना सर्वस्व भी परोपकार में हस्ते हस्ते समर्पित कर दिया है। यह है हमारी पवित्र संस्कृति जिस पर हम ही नहीं दुनिया चकित व गर्वित है। संस्कृत में दा धातु से लूट प्रत्यय होकर दान शब्द निष्पन्न होता है जिसका अर्थ देना है। दान शब्द के अनेक अर्थ हमारे कोश में उपलब्ध है, किंतु सब अर्थों में यहाँ देना अर्थ ही सर्वाधिक उपयुक्त है। दान की परंपरा कब से चालू हुई यह कोई जानना चाहे तो इसका जवाब सरल नहीं होगा, किंतु यह बात तो नितांत सत्य है कि पूर्व जमाने में जो एक दूसरे को आवश्यकता मंद को दिया जाता था वह सहयोग की भावना से ही दिया जाता था। न तो देने वाले में घमंड होता था और न लेने वाले को दैन्य भाव से देखा जाता था। काल क्रम से फिर सहयोग की भावना मानव मस्तिष्क से निकल गई और उसकी जगह दान शब्द का प्रयोग होने लगा।
देने वाला दूसरों पर उपकार थोपकर अभिमान से देता है और लेने वाला सिर नीचा करके अपने को उपकृत मानता है। आज न लेने वाला खुश दिखाई देता है और न देने वाला, यही तो कारण है कि फिर दान के भी अनेकानेक भेद करने पड़े। करुणा दान, राजस दान, तामस दान, सात्विक दान, कीर्ति दान, अनुकंपा दान, संयत दान, असंयत दान, आहार दान, औषध दान, ज्ञान दान, सुपात्र दान और अभय दान आदि। इस संसार में दान के प्रसंगों को लेकर तीन प्रकार की मान्यता रही। एक का कथन दान देने से पाप, दूसरे की मान्यता है कि दान देने से पुण्य होता है और तीसरे की परंपरा का सिद्धांत है कि दान देने से धर्म होता है। कुल मिलाकर यूं कहना चाहिए कि कलयुग में दान महान है। जैसा कि वैदिक संस्कृति में कहा, सतयुग में तप, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ और यज्ञ और कलयुग में दान सर्वश्रेष्ठ धर्म माने गए हैं। यही तो कारण है कि कलयुग का मानव किसी न किसी प्रकार के दान में रत रहता है। असंयतियों को दिया गया दान भले पुण्य पाप का कारण हो, किंतु कर्म निर्जरार्थ संयतियों को दिया गया दान धर्म है। यही तो कारण है कि तीर्थंकर भगवंत दीक्षा के पूर्व एक वर्ष तक प्रतिदिन 1,05,00,000 सुवर्ण मुद्राएं दान में देते हैं। ममता व परिग्रह को कम करने के लिए जो दिया जाता है वह सब धर्म है। ऐसा दान कभी भी अधर्म नहीं हो सकता है। स्थानांग सूत्र में चार प्रकार के मेघों का वर्णन कर समझाया है कि एक मेघ गरजता है पर बरसता नहीं, एक मेघ बरसता है पर गरजता नहीं, एक मेघ गरजता भी है और बरसता भी है, और चौथे प्रकार का मेघ जो है न गरजता है न बरसता है। ठीक इसी प्रकार मानव भी चार प्रकार के हैं। एक बोलता है पर देता नहीं, एक देता है पर बोलता नहीं, एक देता भी है और बोलता भी है, और चौथे प्रकार का न देता है और न बोलता है। इससे भी दान की महिमा स्पष्ट होती है। हर कोई दान नहीं कर सकता है। वस्तु पर से ममत्व छोड़ना सरल नहीं कठिन है, और जब तक मोह ममत्व नहीं छूटता तब तक दान किया ही नहीं जा सकता। पदार्थों से ममत्व हटाना ही दान है। दान शब्द का संक्षिप्त, स्पष्ट, समुचित एवं सुंदर विश्लेषण इस प्रकार है। स्व सत्वोत्सर्ग पूर्वंक पर सत्वोत्पादनम दानम, अपने अधिकार की वस्तु पर से अपनी सत्ता हटाकर उस पर दूसरों की सत्ता स्थापित करना दान कहलाता है। संसार का प्रत्येक व्यवहार आदान प्रदान पर ही आधारित है। एक बहन अपने भाई से उपहार स्वरूप कुछ वस्तुएं लेती है तो बहन स्नेह रस में अप्लावित होकर भतीजों को कुछ दे देती है। गाय को किसान घास, बाटा, खल, कपास आदि दे देता है तो प्रतिफल में उसे प्राप्त होता है सुमधुर एवं पौष्टिक दुग्ध। माता अपने पुत्र को अक्षय वात्सल्य प्रेम लुटाती है तो पुत्र सुयोग्य बनकर अपनी माता को सम्मान एवं वैभव को समर्पित कर निहाल होता है। ग्राहक दुकानदार को कुछ देकर ही यथेष्ट वस्तु उपलब्ध करता है। इस प्रकार समग्र सांसारिक व्यवहार लेन देन पर ही अवलंबित है। सुस्पष्ट है कि इसके अभाव में लौकिक कार्य अवरुद्ध हो जाएंगे। दान की महिमा व गरिमा अकथनीय है। त्याग, समर्पण और विसर्जन दान के ही पर्याय है। अतः समुद्र में डूबते व्यक्ति को शक्ति होने पर भी नहीं बचाना जैसे पाप है, ठीक वैसे ही वैभव संपन्न होने पर भी दीन दुखी का दर्द नहीं मिटाना भयंकर पाप है। वैष्णव धर्म में भी बताया है कि दान दिए बिना खाने वाला विष भोगी कहलाता है। आचार्य विनोबा भावे ने कहा, जो देता है वह देवता और जो संग्रह करके रखता है वह राक्षसों की गणना में आता है। मिल के शेयर होल्डर को तो कभी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, किंतु धार्मिक क्रिया सत्पात्र के दानी को तो सर्वत्र नित नूतन लाभ की सुप्राप्ति होती है। पाराशर स्मृति में कहा है, मांगने वाले के पास जाकर आदर से देना उत्तम दान है, अपने पास बुलाकर मांगने वाले को प्यार से देना मध्यम दान है, अनेक प्रकार मांगे जाने पर झिड़कियां सुनाकर देना अधम दान है, मांगने वालों से काम कराकर रोक जमा कर तिरस्कार व फटकार दिखाकर देना निष्फल दान है, देने वालों को किसी प्रकार का भय नहीं और लेने वाले के मन में ग्लानि नहीं, वास्तव में वही दान श्रेष्ठ व प्रशस्त माना जा सकता है। ऐसा दान ही भवबंधन काट सकता है। प्रकृति भी मानव को निस्वार्थ बुद्धि से देना सिखाती है। उदाहरण के तौर पर वृक्ष पत्थर मारने वालों को भी फल देते हैं, पुष्प देते हैं, मीठी सुगंधित हवा देते हैं, छाया देते हैं तथा पंखा चलते हैं, सूर्य प्रकाश देता है, नदियाँ निस्वार्थ भाव से प्यासों को पानी पिलाने के लिए अहर्निश दौड़ती रहती है, अगरबत्ती जलकर भी वातावरण को सौरभमय बनाती है, दीपक भी तिल तिल जलकर अपना सर्वस्व समर्पण कर प्रकाश देता है। विसर्जन के बिना मानव जी ही नहीं सकता।
अतः किसी कवि ने कहा, जो जल बाढ़े नाव में घर में बाढ़े दाम, जो जल बाढ़े नाव में घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उलींचिए यही सयानों काम। नाव में जल और घर में धन बढ़ने पर सज्जनों का कर्तव्य है कि दोनों हाथों से बांट दे। वेद मंत्र में कहा है, शत हस्तम समाहर सहस्त्र हस्तम संकीर, अर्थात 100 हाथ से इकट्ठा करो और 1000 हाथ से दो। क्योंकि वर्तमान में जो कुछ भौतिक साधन उपलब्ध है, ये पूर्व में दिए गए का सुंदर फल है। बिना दिए के हाथ से रखा सामान भी मिल नहीं पाता, दिया प्रकाश करता है। अतः किसी कवि ने कितने सुंदर ढंग से कहा, दिया दिया सब कहते हैं, दिया करो सब को, कर का धरा न पावते जो कर दिया न हो। अर्थात दिया हुआ व्यर्थ नहीं जाता, ऋतु वसंत याचक भया, दिया हरक द्रुम पात, ताते नव पल्लो भया, दिया व्यर्थ नहीं जात। आप किसी को भी दे, उसका फल किसी न किसी रूप में अवश्य में मिलेगा। देर हो सकती है पर अंधेर नहीं होगी। धन का सदुपयोग करें, अन्यथा धन की 3 गतियों में अंतिम गति हो जाएगी। इस धन की गति 3 है, दान भोग अरुनाश, दान भोग में ना लगे तो निश्चय होए विनाश। एक हाथ से खाओ तो दूसरे हाथ से खिलाओ। कहा जाता है कि एक बार ब्रह्मा जी के पास देवगण पहुंचे और याचना करने लगे कि प्रभु हमें कुछ दीजिए। उन्होंने कहा, द अर्थात तुम अपने विलासी जीवन पर नियंत्रण करो, दमन करो। जब देवों के वहां पहुंचने के समाचार दानवों को मिले तो वे भला पीछे कैसे रह सकते थे। दौड़े दौड़े वे भी ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और प्रार्थना की। विधाता ने उनसे भी कहा, द अर्थात तुम उद्दंड हो अतः दया करो। जब देव दानवों को वरदान मिल चुका तो भला यह मानवों से कैसे छिपे रह सकता था। उन्होंने भी इस रहस्य का पता चला तो पवन गति से वहां पहुंचे और लगे सुख के साधन मांगने। ब्रह्मा जी ने कहा, द अर्थात तुम्हें दान देना चाहिए, यही शांति की सच्ची राह है। यह पौराणिक प्रसंग स्पष्ट करता है कि धन का मुक्त हस्त से दान करना चाहिए। तुलसीदास जी भी कहते हैं, तुलसी जग में आय के कर लीजे दो काम, देने को टुकड़ो भलो लेने को हरि नाम। जैन आगमों में दान के मुख्य 2 प्रकार उपलब्ध है, एक अभय दान और दूसरा सुपात्र दान। वीर स्तुति करते हुए सूत्र कृतांग सूत्र में कहा है, दानान सिद्धम अभयपयानम, सब प्रकार के दानों में अभय दान प्रधान है, जीवन प्रिय और मरण सबको अप्रिय लगता है। अतः मरते प्राणी को बचाना जैसे अभयदान है, वैसे ही अपने से भयभीत होते प्राणी को निर्भय करना ही अभयदान है। दशवकालिक सूत्र में कहा है कि सभी जीवा भी इच्छन्ति जीवी उम्न मरि ज्यों, सभी जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं। इस अभयदान की सर्वोच्च शक्ति से अनेक जीवों ने संसार परिभ्रमण को कम कर दिया। इस प्रसंग में एक दृष्टांत है कि मेघरथ ने एक छोटे से पक्षी कबूतर की सुरक्षा के लिए निर्ममत्व बुद्धि से अपने सुकोमल तन का मांस काटकर तराजू पर रख दिया, किंतु अपने समक्ष हिंसा का तांडव नृत्य नहीं होने दिया। अभयदान के महाप्रभाव से ही ये आगे चलकर 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान बने। सब प्रकार के बंधनों में कनक और कांता का बंधन बहुत ही मजबूत माना गया है, किंतु कुछ वीर पुरुषों ने अभयदान की सुरक्षा में कांता तक के स्नेह को बात ही बात में काट दिया। उसकी झांकी प्रस्तुत करते आप हम सब बहुत ही गौरवान्वित होते हैं। बाड़े और पिंजरे को पशु पक्षियों से भरा देखकर भगवान निमिनाथ का सहज कोमल हृदय करुणा से द्रवित हो गया और वे सारथी से बोले, कस अठा ई में पाना ए सव्वे सुहे सीनो, वाड़े ही पंजरे हिमच सन्निरुद्धाय अच्छा हिम। उत्तराध्यायन सूत्र में यह वर्णन चलता है, ये सुख के इच्छुक सभी प्राणी बाड़ों और पिंजरों में बंद क्यों है। सारथी ने विनम्र शब्दों में कहा, अह सार ही तो भनई ए भद्दाऊ पानी नो, तुजम विवाहक जमी भोया वे बहुम जनम। ये सब भद्र प्राणी आपके विवाह में आने वाले बहुत से मनुष्यों के भोजन के लिए काम में लिए जाएंगे। बस इतना सुनना था कि भगवान का हृदय दया से द्रवित हो गया, मेरा विवाह और इतना भयंकर अनर्थ, नहीं मैं इतना घोर अन्याय नहीं सह सकता। सिर्फ 2 प्राणियों के मिलन के लिए निर्बल व असहाय हजारों प्राणियों को असमय में मौत के घाट उतार देना
कहाँ का न्याय है, मेरे लिए यह विवाह श्रेयस्कर नहीं होगा। तत्काल निर्णय किया कि पशु पक्षियों के बंधन काटे, हजारों व्यक्तियों की मनोतिया धरी की धरी रह गई और वे त्याग के मंगल मार्ग पर चल पड़े, जिन्होंने जीव दया और अभय दान को सबसे बड़ा दान माना। उन्होंने विचार किया, होते हैं प्राणी को निज प्राण बहुत प्यारे, होते हैं प्राणी को निज प्राण बहुत प्यारे, फिर क्यों किसी को यो जग में कोई मारे, फिर क्यों किसी को यो जग में कोई मारे, तोरण से रथ को मोड़ पिलकती राजमती को छोड़, देर करी ना लगा माया की नगरी को छोड़ के मुक्ति की राहों में नेम चले गिरनार। राजा भोज दानी थे, दीन दुखी के लिए कोष खुला रखते थे। भंडारी को दर्द हुआ, ऐसे तो कुछ ही दिन में भंडार खाली हो जाएगा, अतः शयनागार में पलंग के समक्ष लिख दिया, आप दर थे धनम रक्षेत। राजा भोज ने शयन कक्ष में पहुँचते ही पढ़ा और आश्चर्यचकित हो नीचे लिख दिया, श्रीमंतो कुतः आपदा। फिर भी भंडारी को यह बात असह्य थी, अतः नीचे लिख दिया, कदाचित कुप्यते देव। इस पर राजा ने पढ़कर नीचे लिख दिया, संचितोपि विनश्यति। यानी जब राजा दीन दुखियों के लिए सदैव भंडार खुले रखते थे, तो उस भंडारी ने लिख दिया कि आपर्द थे धनम रक्षेत, यानी आपत्ति में धनम धन ही क्या करता है, रक्षा करता है। लेकिन राजा भोज ने उसके नीचे क्या लिखा कि श्रीमंतों कुतः आपदा, अमीरों को कोई आपदा नहीं आती। तो उस भंडारी ने पुनः नीचे लिख दिया कि कदाचित हो सकता है देव कुपित हो जाए। तो पुनः राजा भोज ने उसे पढ़कर नीचे लिख दिया कि जब देव कुपित हो जाता है तो संचित किया हुआ धन भी विनाश को प्राप्त हो जाता है। तो भंडारी की अकल ठिकाने आ गई, देना खोना नहीं पाना है। भारतीय संस्कृति सदा से त्याग प्रधान रही है, ज्ञान प्रधान रही है। ज्ञान दान की महिमा का वर्णन हमारा जैन आगम विस्तृत रीति से करता है। हजारों किस्म के लड़ाई झगड़ों का अंत ज्ञान से होता है, अतः ज्ञान दान के समक्ष सभी दान जघन्य व नगण्य है। जहाँ अन्य दानों का फल पुण्य व निर्जरा दोनों होते हैं, वहाँ सम्यक ज्ञान का फल एकांत निर्जरा या मोक्ष है। अन्य दान जहाँ संसार वर्धक भी हो सकते हैं, वहाँ सम्यक ज्ञान संसार परस्ती कराने में, इन्हें संसार को कम कराने में महान निमित्त होता है। अतः जैनागम पढ़ना और पढ़ाने की समुचित व्यवस्था कराकर अबोध व्यक्तियों को जिनवाणी का बोध कराकर धर्म का प्रेमी एवं रसिक बनाना, यह काम शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से होता है। अतः धनी अमीर अपने धन का सदुपयोग करे। ज्ञान दान से पापी दुरात्मा डाकू और दुष्ट भी शीघ्र धर्मात्मा बन जाते हैं, अतः ज्ञान दान दे, क्योंकि ज्ञान बिना मानव अंधा है, अपनी उलझी समस्याओं को सुलझा नहीं सकता। जैसे नेत्रहीन को आंख मिलने पर जो आनंदानुभूति होती है, वही अनपढ़ को पढ़ने के साधन मिलने पर होती है। गरीब विद्यार्थियों के लिए पाठशाला खोलना ज्ञान दान है। इसी दान भावना से प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय खोला गया, जिसमें भारत के बाहर दूर देशों से जैसे चीन, जावा, सुमात्रा, तुर्की, यूनान आदि के हजारों छात्र पढ़ते थे। अतः ये सब ज्ञान दान है और ज्ञान दान की तुलना चक्षुदान से की गई है। भारत के लोगों ने देना जाना, यहाँ तो जल मांगने वालों को भी दूध पिलाया गया। चीनी यात्री फैयान ने भारत यात्रा के पश्चात संस्मरण लिखते हुए कहा, मुझे एक बार जोर से प्यास लगी, एक बुढ़िया का दरवाजा खटखटाया तो मैंने पानी मांगा, तो लीजिए मलाई वाला दूध पीजिए, बुढ़िया ने विनम्र स्वर में प्रार्थना की। मैंने कहा, नहीं मुझे पानी पिलाइए। वह बुढ़िया मलाई वाला दही काट कर लाई और कहा, खाइए। उसने फिर कहा, नहीं मुझे पानी चाहिए, पानी ही दीजिए। बुढ़िया जो थी वह अब छाछ लेकर उपस्थित थी। मैंने फिर कहा कि नहीं मुझे पानी ही चाहिए। इस प्रत्युत्तर से बुढ़िया का क्रोध भड़क उठा। उसने कहा, अगर जल ही पीना था तो भारत में बहुत सी नदियां, तालाब और कुएं बावड़ियां थी, मेरा दरवाजा खटखटाने की आवश्यकता ही नहीं थी,
मैं दूध पिलाकर ही चैन लूंगी। यह है हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति, पर आज अतिथि को हम यम तुल्य समझा जाता है। दान के विज्ञापन की आवश्यकता नहीं है। एक कृषक जमीन में बीज बोकर उसे खुला नहीं रखता है, तत्काल धूल से आच्छादित कर देता है। भूल से यदि खुला रह जाए तो वह अंकुरित और पुष्पित भी नहीं हो सकता है। दान देकर विज्ञापन करने से आपकी फोटो खींच सकती है, गले में फूलों का हार पहनाया जा सकता है और प्रेसिडेंट की कुर्सी मिल सकती है, किंतु दान का सच्चा माधुर्य नहीं मिल सकता है। दान का जितना सामाजिक महत्व है, उससे भी कहीं अधिक महत्व आध्यात्मिक है। दान तभी दिया जाता है जब मन में दया, त्याग व उदार वृत्तियां हो। दान दुर्गति का नाश करता है, मनुष्य के हृदय को विशाल बनाता है, सोई हुई मानवता को जगाता है, दया और प्रेम की गंगा बहाता है, सहानुभूति का एक सुंदर सुरभिमय वातावरण तैयार करता है। दान देने वाला सर्वत्र प्रेम व आदर पाता है, उसकी यशोगाथाएं दसों दिशाओं में फैल जाती है। कवि ने कहा, योगी की शोभा ध्यान से, तपस्वी की संयम से, राजा की सत्य वचन से और गृहस्थी की दान से। योगी की शोभा ध्यान साधना से होती है, तपस्वी की शोभा संयम साधना से होती है, राजा की शोभा सत्य वचन से होती है और गृहस्थ की शोभा दान देने से है। तो हम सभी इस मार्ग पर बढ़ चलेंगे और जीवन में दान को अपनाएंगे। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव आनंद श्री जी महाराज साहब की जय। मंगल पाठ। नमो अरिहंता, नमो सिद्धा, नमो आयरियानम, नमो अध्यायानम, नमो लय सम्वसाहूनम, चैतावारमासम चक्रवर्ती महे धियो संति संति करे लय पतोगे मनोतरम, नमीना सुरसुर गरुलभ यंग परिवंदी गये किले से, अरिये सिद्धा एरिया उठाया सव साउनम, सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभिष्ट दायिनी सर्वलब्धि निधानाय गौतम स्वामी नमो नमः। गुरुदेव की आज्ञा चत्तर निरंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवलीपनतो धमो मंगलम, चत्तारी लोगोत्मा, अरिहंता लोगोत्मा, सिद्धा लोगोत्मा, साहु लोगोत्मा, केवलीपनतो धमो लोगोत्मो, चत्तारी शरणम पवज्जामि, शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, धमो शरणम पवज्जामि, अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, धुओं का शरणा, दया धर्म का शरणा, चार शरणा, दुख करना, सुख करना और शरण नहीं कोई, जो भवी प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद हो। Yeah.